गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान कल। पहले चरण के लिए 788 कैंडिडेट्स मैदान में, 718 पुरुष और 70 महिला उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी की लोकप्रियता, समावेशी विकास और जीरो तुष्टीकरण की नीति गुजरात में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत। अमित शाह का आम आदमी पार्टी पर भी निशाना, कहा हो सकता है जीतने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम भी ना आए। गुजरात चुनाव में रावण पर घमासान जारी, राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा पीएम को अपशब्द कहना गलत राजनीति। गुजरात में राजनाथ सिंह बोले, खड़गे का बयान पूरी कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस ने एक संस्था का अपमान किया है। खड़गे के रावण वाले बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार, कहा उन्होंने हल्के शब्द का इस्तेमाल किया। इंडिया टीवी से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, खड़गे का बयान सोनिया राहुल की सोच दर्शाता है। रात 8:50 पर अहमदाबाद में डॉक्टर सम्मेलन, जेपी नड्डा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। यूपी उपचुनाव के रण में जबरदस्त प्रचार, खतौली में बोले सीएम योगी, मुजफ्फरनगर की धरती में क्रांति का संदेश दिया, कवाल का बवाल सपा के लिए कलंक। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र सिंह चौधरी का दावा, कहा मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में बड़े अंतर से जीतेगी बीजेपी। इटावा की रैली में शिवपाल यादव का आरोप, बीजेपी यहां 60% से ज्यादा वोट नहीं पड़ने देना चाहती। शिवपाल यादव ने अखिलेश को छोटे नेताजी के खिताब से नवाजा, का आज से पूरा देश अखिलेश को छोटा नेताजी कहकर पुकारे। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सपा की रैली में बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, कहा नीतीश का संदेश लेकर आया हूं, मैनपुरी में डिंपल की जीत से खुलेगा 2024 का रास्ता। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने मैनपुरी के पुलिस प्रशासन की चुनाव आयोग से की शिकायत, कहा हमारे वर्कर्स को अरेस्ट कर रही है पुलिस, प्रधानों कोटेदारों को धमका रहे हैं सीडीओ। दिल्ली में आप उम्मीदवार के खिलाफ केस, जोगिंदर सिंह का रिवॉल्वर लहराने का वीडियो हुआ था वायरल। आप प्रत्याशी जोगिंदर सिंह उर्फ बंटी पर एफआईआर दर्ज, दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली एमसीडी चुनाव पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले जहां झुग्गी वहां मकान की योजना, 50 लाख लाभार्थियों को होगा फायदा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा लैंड पूलिंग से 75 लाख लोगों को फायदा, साल 2019 में शुरू की लैंड पूलिंग, हमने लोगों को दिए घर। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी का एक्शन, गुरुग्राम से अमित अरोड़ा नाम का एक और आरोपी गिरफ्तार। ईडी की एफआईआर में अमित अरोड़ा का नाम, मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी के रूप में है नाम, गुरुग्राम का कारोबारी अमित अरोड़ा, बीजेपी की स्टिंग में दिखा था अमित अरोड़ा। सीबीआई ने भी अमित अरोड़ा से की थी पूछताछ। एक्साइज पॉलिसी में बदलाव में अमित की अहम भूमिका होने का शक, कई कंपनियों का डायरेक्टर है अमित अरोड़ा। अमित अरोड़ा की गिरफ्तारी पर बीजेपी का निशाना, अमित मालवीय बोले जेल में जल्द जैन के साथ दिख सकते हैं सिसोदिया। आज बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी, कहा भूपेंद्र चौधरी बताएंगे डेट। खतौली में सीएम योगी के पहुंचने से पहले निकले सैनी। श्रद्धा मर्डर केस में कल होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट। रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में होगा नार्को टेस्ट, नार्को के लिए आफ्ताब का प्री मेडिकल टेस्ट किया गया। पुलिस ने ऐप कंपनियों से आफ्ताब से जुड़े हर ऐप की डिटेल मांगी। आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में कबूली हत्या के बाद शव के टुकड़े जंगल में फेंकने की विवाद मानी। पहले से श्रद्धा को मारना चाहता था आफ्ताब, पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने किया कबूल। श्रद्धा मर्डर केस में खुलासा, मर्डर के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की अंगूठी गिफ्ट की, दूसरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की श्रद्धा की अंगूठी। पुलिस के सामने आफ्ताब की दूसरी गर्लफ्रेंड का खुलासा, मर्डर के बाद आफ्ताब के फ्लैट पर गई थी गर्लफ्रेंड। अब आफ्ताब के वैशीपन के बारे में सुनकर शॉक, आफ्ताब की साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को घर में डेड बॉडी होने की भी नहीं लगी भनक, बेहद नॉर्मल बिहेव करता था आफ्ताब। दोस्त ने बताया बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था आफ्ताब, कई बार करता था सिगरेट छोड़ने की बात, हर वक्त खुश दिखता था आफ्ताब। श्रद्धा के मर्डर में आफ्ताब की दूसरी गर्लफ्रेंड का नहीं मिला कोई रोल, लड़की को विक्टिम की तरह ट्रीट कर रही है पुलिस, साइकेट्रिस्ट से भी गाइड करवाया। माफिया मुख्तार की पत्नी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा झटका, पत्नी अफशान अंसारी को गैंगस्टर केस में नहीं मिली राहत, कोर्ट ने याचिका खारिज की। कानपुर से फरार होकर मुंबई पहुंचे एसपी विधायक इरफान सोलंकी, इरफान समेत कुल 6 लोगों पर एफआईआर, इरफान का फर्जी आधार कार्ड बनाने में मदद करने का आरोप। गिरफ्तारी से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा इरफान सोलंकी, 10 नवंबर को बनाए थे नकली दस्तावेज, 11 नवंबर को दिल्ली से लाया गया मुंबई। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, आईएफएफआई के ज्यूरी हेड नदव लेविट के बयान की निंदा की, लेविट ने कश्मीर फाइल्स फिल्म को बताया था प्रोपेगेंडा। बिहार के अरवल में रेप के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने मां बेटी को जिंदा जलाया, आग से झुलसी मां की मौत, बेटी का इलाज जारी। सीएम नीतीश ने घटना की जांच के दिए आदेश, कहा मामले में जांच कर की जा रही है कार्रवाई। मध्यप्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो पदयात्रा से परेशान कमलनाथ, एक कथावाचक से बोले हम तो पिछले 7 दिन से मर रहे हैं, पूर्व सीएम का वीडियो वायरल। इंदौर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी वीडियो वायरल, कमलनाथ से यात्रा के बारे में बात करते नजर आए राहुल गांधी, कहा यात्रा में किसी को नहीं हो रही है थकान। बीकानेर में सीएम गहलोत की केंद्र सरकार से मांग, कहा राजस्थान में हमारी उड़ान योजना को पूरे देश में लागू करें पीएम मोदी, योजना में हर महिला को फ्री मिलते हैं 12 नैपकिन। लखनऊ में सीएम योगी ने आपदा प्रबंधन कॉन्क्लेव का उद्घाटन, केंद्र और राज्य का संयुक्त आयोजन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले विधानसभा में महिला आरक्षण के लिए बिल पेश किया, मातृशक्ति विकास में मील का पत्थर साबित होगा कदम। वंदे भारत ट्रेन को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया विश्व स्तरीय, कहा पीएम मोदी के निर्देश में भारतीय तकनीक और दिमाग से वंदे भारत का निर्माण। सुप्रीम कोर्ट में डीएमके ने सीएए को दी चुनौती, सीएए में केंद्र में 3 देशों से सिर्फ 6 धर्मों को ही किया गया शामिल, मुस्लिम को शामिल नहीं करने पर सवाल। चंडीगढ़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आशा वर्कर्स, महिला खिलाड़ियों और छात्रों से की बात, सीएम मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रहे मौजूद।
त्रिपुरा में संस्कृत प्रदर्शनी का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया शुभारंभ। सीएम माणिक साहा भी हुए शामिल। देश में मृत्यु दर में बड़ी बड़ी गिरावट, अब प्रति लाख 97 ही रह गया मौत का आंकड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर टली सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 दिसंबर तक टाली सुनवाई। पटना में स्टील कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की रेड, घर से लेकर फैक्ट्री में की गई छापेमारी। टीआरएस के दो नेताओं को सीबीआई का समन, पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया। दिल्ली के तमिलनाडु भवन में पकड़े गए फर्जी आईएएस का मामला। ऑस्ट्रेलिया में मर्डर के आरोपी राजविंदर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया था गिरफ्तार। तेलंगाना की राज्यपाल ने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी प्रमुख शर्मिला को लेकर जताई चिंता, कहा वो कार के अंदर थी, क्रेन से कार लिफ्ट करना गलत। डिब्रुगढ़ यूनिवर्सिटी में रैगिंग पर सख्ती, वाइस चांसलर ने हॉस्टल के 3 वार्डन्स को किया सस्पेंड। दिल्ली में फिर हवा हुई जहरीली, एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में 346 पर पहुंचा का इलाकों में छाया स्मॉग। केरल में लगातार फैल रहा है खसरा, मामल्लपुरम में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला, अब तक खसरा के 160 मामले सामने आए, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन पर जोर। पीलीभीत में एक ही परिवार के 3 सदस्यों का मिला शव, सुसाइड की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच। बहराइच में ट्रक और बस की टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, 15 लोग घायल, घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। जरवल रोड इलाके में रोडवेज बस को ट्रक ने साइड से मारी टक्कर, लखनऊ से बहराइच जा रही थी बस, राहत और बचाव के काम में जुटा एडमिनिस्ट्रेशन। फिरोजाबाद में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। फिरोजाबाद हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का निर्देश। हरिद्वार से बांग्लादेशी महिला रहीमा गिरफ्तार, बिना पासपोर्ट और वीजा के अपने 3 बच्चों के साथ रह रही थी महिला। दिल्ली में फर्जी वीजा रैकेट का खुलासा, क्राइम ब्रांच ने सरगना समेत 8 लोगों को पकड़ा, 300 पासपोर्ट, लैपटॉप, फर्जी दस्तावेज बरामद। चंडीगढ़ में इंटरस्टेट बुलेट गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 15 बाइक बरामद, गैंग के सरगना की तलाश जारी। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में 13 किलो हेरोइन बरामद, ड्रग तस्करों के पास मिले 5 AK-47, 5 पिस्टल और 9 मैगजीन। हरियाणा के अंबाला में स्पेशल टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, राजस्थान से लाई जा रही 13 क्विंटल से ज्यादा चूरा पोस्ट जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में एक तरसेम सिंह पर पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज है मामला। एसटीएफ ने नाकेबंदी कर चूरा पोस्ट की बड़ी खेप को किया जब्त। हरियाणा के कैथल में ब्लॉक समिति का चुनाव जीतने वाले शख्स पर हमला, सजमा गांव में 75 लोगों के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज। मणिपुर के जिरीबाम जिले से PLA का एक सक्रिय काडर गिरफ्तार, स्पीयर कॉप्स, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ATM फ्रॉड गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ATM में गोंद और फिर फर्जी हेल्पलाइन पर कॉल करके लोगों को ठगता था गिरोह, 75,000 कैश, 48 ATM कार्ड, 65 SIM कार्ड और 2 अवैध तमंचे बरामद। कर्नाटक में शख्स के पेट से निकले 187 सिक्के, पिछले कई महीनों से सिक्के निकल रहा था शख्स, मनोरोग से है पीड़ित। गोरखपुर में महिलाओं के लिए पावर लाइन की शुरुआत, प्रचार प्रसार के लिए वाहन किया गया रवाना, SSP बोले महिला सुरक्षा प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ के उदंती सीतानगर टाइगर रिजर्व में लंबे समय बाद दिखा बाघ, ट्रैप कैमरे में तस्वीरें कैद। पुणे के खड़कवासला में NDA की पासिंग आउट परेड, नौसेना प्रमुख एडमिरल RHRIKUMAR ने ली सलामी। NDA से पास आउट होने के बाद सशस्त्र बलों की एकेडमी में जाएंगे कैडेट्स, 1 साल की प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग के बाद बनेंगे अफसर। नेवी में महिलाओं की दिलचस्पी पर बोले नेवी चीफ, 3,000 वैकेंसी के लिए 10 लाख आवेदन में 82,000 महिलाएं। आर्मी की सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज, सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने नई टेक्नोलॉजी के साथ किया अभ्यास। उत्तराखंड के तपोवन में भारत अमेरिका की सेनाओं का ज्वाइंट एक्सरसाइज, आपदा में पुल टूटने के बाद राहत कामों का अभ्यास। RBI का बड़ा ऐलान, आम लोगों के लिए कल से डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट होगा लॉन्च, 8 बैंकों को मिली भागीदारी। भारत में ऑर्गेनिक नॉन बासमती चावल एक्सपोर्ट से हटाया बैन, फॉरेन ट्रेड DG ने दी जानकारी। RBI ने भारत को ऑपरेटिव बैंक पर लगाया 50 लाख रुपए का जुर्माना, IRAC नियमों का पालन न करने का आरोप। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर का निधन, 64 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी को संवारेंगे अडानी, 5,069 करोड़ की लगाई बोली, 7 साल में करेंगे पूरा। बिहार में आरा सदर अस्पताल में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने किया उद्घाटन, गरीबों का होगा मुफ्त में इलाज। कनाडा में अपने कारोबार को $10 अरब में बेचेगा HSBC बैंक, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा से बनी सहमति। ओलेना ज़ेलेंस्की ने रूस पर लगाया गंभीर आरोप, कहा बलात्कार और यौन हिंसा को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है रूसी सेना। रूस में वैज्ञानिकों ने फिर से जिंदा किया 48,500 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस, बर्फ के अंदर हजारों साल तक दफन होने के बावजूद रहे मौजूद। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन ने अंतरिक्ष में भेजे 3 एस्ट्रोनॉट्स, 6 महीने के लिए स्पेस स्टेशन में रहेंगे। यरूशलम में क्रिसमस की जोरदार तैयारियां, सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया, रोशनी से नहाया चर्च। प्रभास के साथ रिलेशनशिप पर एक्ट्रेस कृति सेनन ने तोड़ी चुप्पी, इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया पोस्ट, लिखा ना ये प्यार है और ना ही PR। एक्ट्रेस रवीना टंडन की मुश्किलें बढ़ी, MP के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर के करीब जाकर किया वीडियो शूट, जांच के आदेश जारी। अमेरिकी एक्ट्रेस किम कार्दशियन काने वेस्ट का डिवोर्स, किम को बच्चे पालने के लिए काने हर महीने देंगे $2 लाख। पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट के गाने कर्मा पर जानवी कपूर ने लगाए ठुमके, इंस्टा पर शेयर किया वीडियो। शहनाज गिल के नए गाने घनी श्यानी का पोस्टर रिलीज, MC स्क्वायर के साथ आएंगी नजर, इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर।
थलपति विजय रश्मि का बंदाना स्टारर फिल्म वारिसू हिंदी में भी वारिस नाम से 12 जनवरी को होगी रिलीज। टी सीरीज ने 5 करोड़ में खरीदे म्यूजिक राइट्स। साउथ सुपरस्टार अजीत कुमार क्लीन शेव लुक नई फिल्म AK-62 के लेकर आए मेकओवर। कल ही थुनीवो की शूटिंग की थी पूरी। टाइगर श्रॉफ सारा अली खान एक साथ आएंगे नजर। फिल्म के टाइटल का नहीं हुआ खुलासा। मिशन बेस्ड एक्शन मूवी के लिए किया गया कास्ट। और न्यूजीलैंड भारत के बीच तीसरा वनडे मैच बारिश के कारण रद्द। न्यूजीलैंड ने 1-0 से जीती सीरीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।